दोस्तों अगर आप यूज करते हैं वीवो वाई 100A का फ़ोन तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग कैसे करेंगे। अपने लॉक स्क्रीन पे अपना नाम लिखना चाहते हैं जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो हो तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं अपनी सेटिंग से। तो चलिए आपको सारा कुछ दिखा रहे हैं, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो या नीचे आ सकते हैं, यहां पे आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहां आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको दिख रहा है राइट साइड, यहां पे बीच में यहाँ पे आपको कुछ अलग दिख सकता है, कोई टेंशन नहीं, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसके जस्ट नीचे आप लोग देखेंगे ऑफ स्क्रीन स्टाइल का ऑप्शन मिलता है और उसके जस्ट नीचे डिस्प्ले मोड का ऑप्शन है। तो पहले हम डिस्प्ले मोड पर क्लिक करके यहाँ पर चूज कर लेंगे कितना देर शो होना है, पूरे दिन या शेड्यूल टाइम करना चाहते हैं, या जब आप अपने फ़ोन को इधर उधर करें तब शो करना है तो पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अपने हिसाब से कब शो करना है तो यहाँ चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आप स्क्रीन स्टाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे आप लोगों को लगाना है, स्टिकर वगैरह सेट करना है या क्लॉक सेट करना है, जो कुछ भी आपको सेट करना है, किसी एक चीज़ को सिर्फ आप सेट कर सकते हैं, एनालॉग क्लॉक कर सकते हैं या सिग्नेचर करना चाहते हैं यानी लॉक स्क्रीन नेम, तो इस सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ भी लिखना चाहते हैं जो आपके लॉक स्क्रीन पर शो होना चाहिए तो यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो स्टिकर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर स्टिकर जो सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ आप नाम और मोबाइल नंबर वगैरह लिख सकते हैं। इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी आप यहीं से इसका चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद आप इस तरीके से अपने फ़ोन में जो है एनिमेशन लगा सकते हैं।